हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, हम लोग हैं डी गोट फार्म पे, दानिश भाई है हमारे साथ और माशाल्लाह एक और ज़बरदस्त वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ और मेंढे दिखाई बोल रहा हूँ, अंडुल दिखाएंगे, कोटा दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो दानिश भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप डायरेक्ट इनसे मेरा नंबर ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समीर भाई, क्या बात है भाई, कोटों पे कोटे, कोटे पे कोटे, फिर कोटे, माशाल्लाह क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपन ने रमजान सीरीज में कोटे दिखाए, रमजान के बाद कोटे दिखाए, फिर आज कोटे दिखा रहे समीर भाई। वो कोटा कोटा कोटा, हाँ, कोटा किंग लोगों को बोलते हैं लोग, अपन इंशाल्लाह कोटा किंग तो नहीं है, इंशाल्लाह ना बनना भी नहीं है अपने को, बेशक, बट अपन कोटा की क्वांटिटी बेच के, क्वांटिटी बेचेंगे और लकब अल्लाह दिलाएगा, कहीं ना कहीं से लकब मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई किंग बिंग का लकब। मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग चार बकरे बेच के अपने आप को कोटा किंग बोलते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ करे बड़ी बात से, अपन ने बहुत कोटे बेच दिए और आगे भी बेचते रहेंगे कोटे का, तो भाई कोई लकब नहीं चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी जो कोटे आज दिखाने वाले हम लोग, कुछ लोगों को साइड से दिख रही होगी झलक, ये एक झलक है कोने की, उस तरफ तक है बकरे, माशाल्लाह अच्छे बकरे हैं। अभी और बकरे बाकी है, ये एक स्लॉट निकाले, इसके बाद सेम एक और स्लॉट आएगा। अच्छा, तो दानिश भाई मैं क्या बोल रहा था, पिछले वीडियो में भी अपन ने कोटे दिखाए थे, वो सोल्ड आउट हुए ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट उसमें से पांच छह बकरे बचे समीर भाई। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद मैंने एक स्टेटस डाला था, 50 नए कोटे आ रहे, खैर 50 तो नहीं मिले मुझे, लेकिन 35 कोटे नए अपन ने लाए, 35 बकरे लेकर आए माशाल्लाह। 35 में से कुछ बकरे अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, ये है कोटा, और पिछली बार से बड़े कोटे, भाई बड़े कोटे, पिछले लास्ट लॉट से बड़ा लॉट, बड़ा लॉट मिला है माशाल्लाह। और लास्ट लॉट के मुकाबले ये लॉट में समीर भाई, कलर के बहुत अच्छे बकरे, हाँ दूर से ही दिख रहे बकरे, कलरफुल बकरे हैं, साइज में है बकरे, और सबके सब गर्म है, सब औली बकरे, सब गर्म है। अच्छा माशाल्लाह, ये अभी कितने बकरे दिखा रहे हैं अपन ये लॉट के अंदर भाई? समीर भाई लगभग ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 है इस लॉट में, 16-17 बकरे है, वाह 17 बकरे एक तक है माशाल्लाह। यार दानिश भाई बोल, एक चीज़ मैं बार 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 जब शूट करता हूँ तो मेरे दिमाग में आती रहती है कि अल्लाह सबर का फल बोलते हैं ना, मीठा होता है, तो ये है उस, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन ये है उस सबर का फल जी। तो छोटी सी अपन ने ना, मैं समझता हूँ 500 स्क्वायर फीट की भी जगह नहीं थी, वहाँ पे भी शूट की है अपन ने, आज अल्लाह ने ये मुकाम पे खड़े किया है कि माशाल्लाह, मैं बोलता हूँ 200 कोटे बांधो ना और शूट करो। सभी भाई आपने बोले थे मालूम है भाई कि यार तुमको काम जैसा करना चाहिए वैसा काम करने का मौका मिलेगा, और हकीकत है कि वैसा काम करने का अपने को मौका मिल रहा है। बकरे जब खूटे पे आते और बनते हैं ना, तो तभी दिल खुश हो जाता है कि क्या बकरे निकले, बकरे निकले, और वहाँ अपन एक एक बकरा दिखाते, एक एक बकरा एक एक टाइम पे दिखाना, यहाँ 20 निकालो, 100 निकालो, 200 बकरे निकालो, इस वजह से तो भाई यहाँ पर अपन कोटे की, अभी लास्ट ईयर भी अपन ने तलोजा में लाए थे बकरे, आपने शायद देखे थे, तो तभी भी अपन ने 45 कोटा एक ही लॉट में लाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 45 डे भी नहीं लगे थे अपने को बेचने के लिए। तो कस्टमर बेस है अपना कोटा बकरों का, खासतौर पर कस्टमर बेस अपना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कस्टमर वेट करते कि भाई नया क्या आने वाला है मेरे लिए देना, सही है। और मैं तुमको बोला ना समीर भाई, मैं जितने बकरे बेचता हूँ कोटा के लॉट लाके, तो उसमें से 50% बकरे पलटी के लिए जाते हैं अपने अगले साल के लिए, रिपोर्ट हो जाते हैं माशाल्लाह। दानिश भाई कौन से बकरे से शुरुआत करें, हर एक बकरा अपने आप में माशाल्लाह, मेरा सबसे पहला फेवरेट बकरा उससे शुरू करेंगे सामने, यस, इसका नाम मैंने कल ही रखा हूँ हैदर। क्या नाम रखे? हैदर। हैदर, वाह, क्या इसका हैदर नाम के पीछे क्या राज है? मैंने रील्स डाला था और इतने नाम रख लिया हो ना मैंने बकरों के, कि मेरे को कभी कभी दिमाग में नहीं आता क्या नाम रखूं। मैंने लोगों से सजेशन मांगा कि इसका नाम क्या लूंगी, तो मैक्सिमम लोगों ने इसका नाम हैदर लिख के डाले थे। ओहो, तो मैंने बोला इसका नाम हैदर लगे, ऑन पब्लिक डिमांड इसका नाम हैदर रखा गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ भाई? नहीं, मेरा हर बार मैं सजेशन मांगता हूँ लोगों से। अच्छा, इससे पहले कभी रखे हो ऐसे? हाँ बहुत बार, क्या होता है जब मेरे को दिमाग में नहीं बैठता ना क्या नाम रखूँ, तो मैं पब्लिक सजेशन लेता हूँ, उसमें मेरे को लगता है कि हाँ ये नाम अच्छा है तो वो चूज करके रखता हूँ। ऑन पब्लिक डिमांड इसका नाम हैदर रखा गया है, और क्वालिटी वाइज भाई क्या चीज है, देखो गुलाबी बकरा है पूरा, पूरा गुलाबी, 17-18 के कान समीर भाई, 39 की हाइट और 100 केजी,
100 केजी? वाह यार, मेरे हिसाब से 100 के ऊपर होगा। मैं अंदाजा बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी 100 बताया था, वो बकरा 109 किलो निकला था। इसको तोला नहीं उतना ही निकलेगा इंशाल्लाह। सही है, अपन 100 ही मान के चलो। बकरे की क्वालिटी देखो दानिश भाई, पलटी के लायक बकरा है भाई। बकरा मेरा दिल तो बहुत था पलटी के लिए, और खास तौर पर ये बकरा लेने, ये लॉट जब लिया था ना, तो समीर भाई ये बकरे के वजह से मैं पूरे माल के माल पसंद आता। मतलब बोलते ना, एक हीरा अगर है माल में, बकरे पूरे लॉट का चाम है ये। हाँ माशाल्लाह, ये बकरे यार देखा ना, इसके बाद सारे बकरे देखा, सब अच्छे लगे, बट ये बकरा मेरे को लेना ही था। मतलब ऐसा जिद थी मेरी भी कि ये बकरा मेरे को लेना ही, और मेरा दिल था इसको पलटी के ले लूँ, बट ऐसा हो गया ना कि कल मैंने इसकी रील्स डाला, एक इमरान भाई करके है हैदराबाद के, शौकीन है कोटा बकरे का हैदराबाद में, वो भी शौक करते और माशाल्लाह अच्छी कुर्बानी करते हो भी। उन्होंने ये बकरे का मेरे से सौदा कर लिए कुर्बानी के लिए। अच्छा, हाँ तो ये जाएगा। सोल्ड आउट हो गया? सोल्ड आउट हो गया। अरे यार, सोल्ड आउट दिल था बहुत पलटी का समीर भाई, इसको कसम से। माशाल्लाह, ये बकरा अगर एक साल रुक जाता था ना, अगले साल कहर था, कहर कहर। ये पेटी अभी देखो उसकी समीर भाई, सेल्फ फीडिंग पे ये सोचो, जब दूध वूध भराई वराई पे चढ़ता तो क्या नीचे झोल लाता था भाई। माशाल्लाह, भराई के लायक का बकरा है। ले लिया मैंने, वरना मेरा दिल अभी भी आगे पीछे हो रहा था। भराई के लायक का बकरा है ये, सवाल ही नहीं भाई। इस साल कुर्बानी हो जाएगी इसकी। हाँ माशाल्लाह, तो फिर दूसरा बकरा दिखाते दानिश भाई। आओ दूसरे बकरे पे आते भाई, इधर दिखाते, ये ब्राउन एंड व्हाइट दिखाते। अच्छा ये भी सोल्ड आउट हो गया भाई। अरे वाह यार, पता है मैंने तुमको परसों फोन किया था। हाँ हाँ समीर भाई, लॉट आ रहा है, वीडियो बनाने जल्दी जल्दी आ जाओ। तो तुम को बोले भाई मैं कल तो बिजी हूँ, परसों आता हूँ। हाँ। तुमको बोला था याद है भाई, जब तक तो बकरे बिक जाएंगे बिक जाएंगे, और अलहमदुल्ला नए लॉट में से 6-7 बकरे बिक गए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बट अब तो ये वीडियो बनानी है अपने को करके, मैंने वो बकरे भी निकाल लिया जो परसों सोल्ड आउट है, संडे के दिन सोल्ड हुए सब। माशाल्लाह, तो ये अवेलेबल है? हाँ ये है ना, चलो इसकी डिटेल से शुरू करते हैं भाई, पहले इसका ही लो। तो ये तो सोल्ड आउट हो गया ना? हाँ सोल्ड आउट हुआ, सोल्ड हो गया, फिर भी बकरा तो देखो, लेकिन बकरा तो देख लो, शॉप तो करो कम से कम। सोल्ड हुआ कलर का राजा है बकरा है। हाँ। ब्राउन कलर पूरा अगर रहता ना बकरे में, तो बकरे में चाम नहीं आता। अल्लाह ने ऐसी कुदरत ही इसके अंदर व्हाइट कलर का जो पैच दिया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कलर की वजह से बकरे में उठाव आ गया, बुटाव आ गया बकरे में। बकरे की चौड़ान बहुत है, फ्रेम कितनी बड़ी है देखो, पेटी कितनी बड़ी है। अच्छा खुशखबरी ये है कि ये बकरा पलटी के लिए रुकेगा अपने पास रहेगा ना, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये बकरा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर का अपना शो स्टॉपर है भाई। ये बकरा भी पलटी के लिए रुकता था ना, तो नेक्स्ट ईयर इससे भारी बकरा मेरे हिसाब से कोई नहीं होता था, उसके टक्कर का होता। माशाल्लाह, उसकी खूबसूरती के टक्कर का तो कोई नहीं होता। तो इसको देखकर नर्वस ना हो आप लोग, इसको इंशाल्लाह शूट करते रहेंगे। समीर भाई 85-90 केजी पे बकरा खड़ा हो, 39 बहुत बड़ा है भाई बकरे का। मेन ये बकरे का ना भाई चेहरा और गला पट्टी है ना, पूरा शेर वाला लुक है, बोलते ना शेर खान है एकदम, इसका नाम भी याद आ गया। चलो शेर खान भाई, वो देखो पीछे हो गई रस्सी तोड़ दिया भाई, वो कल से है ना, कम से कम है ना भाई, जब से आया जब से 30-35 बार रस्सी तोड़। क्या बात कर रहे, खतरनाक बकरा है उसके लिए, सब 24 घंटा जाग रहे भाई, मतलब एक आदमी सो रहा है तो दो आदमी जागे। अच्छा, सो नहीं पा रहे, कंटिन्यू नहीं सो सकते, अब शैतान भर के लाए थे भाई। भाई ये वाला सेलिंग के लिए अवेलेबल है ना समीर भाई? ये 4 दांत पे है, 5वां छट्टा फ्रेश तोड़ा है। ये बच्चा मैंने खास लिया हूँ, कोई पलटी वाला लेगा उसके लिए। बहुत अच्छे चेहरे का बकरा है, 4 दांत का बकरा है ये, 75-80 केजी आएगा वजन। चेहरा देखो समीर भाई, मेन उसका पूरा फेस का कमाल है, चेहरे का ही तो कमाल है भाई। ये बकरा भी इंशाल्लाह ताला अगले साल रुकेगा तो और मुंडी बड़ी करेगा, अभी बचपन में ये चेहरा है इसका, तो जब पाखट होएगा एज पे आएगा तो क्या चेहरा करेगा, बहुत अच्छा बनाएगा, तैयारी अच्छी लेगा। बकरे के पैर अच्छे हैं, कलर अच्छे हैं, सिक्के अच्छे हैं, कंप्लीट बकरा है, कंप्लीट बकरा भाई। इसके क्या डिमांड करेंगे? डिमांड मत पूछो समीर भाई, ये बकरा पिछली वीडियो में सब बकरे का डिमांड बताया, इसमें मत पूछो क्यों, ऐसा कुछ होगा समीर भाई। देखो हर बकरे ऊपर नीचे रेट के है, कोई हाँ। ज्यादा है, कोई कम है, कोई मीडियम है, बट मैं सोच रहा हूँ इस बार मेरे से मत लो इसमें डिमांड में, पर्सनल रखना प्लीज, कि बकरे सब ऐसे ला। अच्छा इसकी दो ना, बाकी की छोड़ दो, चलो इसकी दो, 80,000 रुपये ठीक है। चलो अभी और दूसरे बकरे की नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाई सब बकरे जो है थोड़ी एक्सक्लूसिविटी है, बकरों के अंदर भी है वैसी चीजें, तो भाई रेट नहीं मिलेगा। इंटरेस्टेड है कॉल करो, 50-60 हज़ार रुपये वाला कोई भी बकरा इसमें नहीं है। अच्छा उसके ऊपर ही कॉल करो, 50-60 हज़ार वाला इसमें कोई भी बकरा नहीं है, इसके लिए पहले बता के बोल ले। सही है, ये एक बकरा है ब्लैक एंड व्हाइट, अगेन कोटा
कोटा ही है, इसमें कोई भी मालवा वालवा मिक्स ही नहीं किया ना भाई, एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं, सब प्योर कोटे माशाल्लाह, और सब गरम कोटे ये देखो। अरे बाप रे, बाबा 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 बाबा, क्या दांतों में, छह दांत, 80-85 केजी, 48 माशाल्लाह, 40 की हाइट है, फुल गरम फुल गरम फुल गरम, काली जबान गए भाई। इसको छेड़ो मत। ये बकरे हम लोग देवनार में घास वाले वाड़े में एक्चुअल उतारते थे, ये वो मैं है ना तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग को रेट फार्म पे हम लोग वैसा रेट नहीं मांग सकते, देवनार में हम लोग है ना भाई, क्यों झूठ बोलू, अंडशंड रेट में बेचे और बेचते हैं लोग। मैं तो जब भी देवनार में लगाता नहीं था, बट मैं खुद पर्सनली जब देखने आता था, आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा, तो ऐसे बकरे का 1.5-2 लाख रुपए देवनार में मांगते। जब तो मेरा देवनार में बाड़ा भी नहीं लगता था, तो मैं हैरान रहता था कि यार इतना महंगा, और लोग लेते भी थे, लेते भी। अपन आज भी वो रेट में नहीं बेच रहे बकरे, 70-80 हज़ार रुपए की रेट में बेच रहे ऐसे बकरे, सही है। कुछ बकरे है इसमें देवनार में बेचना है, वो यहाँ से ले जाओ, बेचो वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए में बेचो। नहीं, रिसेलर को क्यों दूं मैं, पलटी वालों को दूंगा। चलो सही है, ओ करंट सब में है, सब में करंट भाई, सब में ये देखो, करंट के अलावा कलर भी है, समीर कलर भी है माशाल्लाह, पूरा काला कलर में बकरा, चेहरा व्हाइट लाया उसका, बफ देखो, गर्मी देखो बकरे की, चमक देखो बस, चमक दांत फ्रेश किया है, 80-85 केजी, 40 हाइट। और दानिश भाई ये तो जंगल का माल है समझो, लेकिन वैक्सीनेटेड होगा ना, जंगल से लिया ही नहीं ना? जंगल का माल लेने का मेरा क्या मसला है, मतलब पहले तो जंगल में बकरे अपने मुकाबले महंगे, जो रेट में अपन यहाँ बकरे बेच रहे ना, ये रेट से महंगे जंगल में मिल रहे हैं, तो जंगल से तो जाना सवाल ही नहीं उठता है। बराबर। सेकेंडरी ये है ना कि जंगल का माल अगर आएगा ना समीर भाई, तो वो दूसरे दिन घुटने पे आ जाएगा, उसको 8-10 दिन लगता है बकरे को टाइट होने में, वापस से अपनी पोजीशन पे आने में, कम से कम 8-10 दिन, जो वजन थोड़ा वो तो ऊपर नहीं आएगा, बट बकरे को खड़े होने में 8 दिन चला जाता है। तो वजह से अपन जंगल का माल सीजन के टाइम अवॉइड करते हैं, ऑफ सीजन अपन जंगल का माल। तुमने जहाँ भी हाथ मारे हो, बहुत जोरदार हाथ मारे हो, ठीक है ना, खजाना है खजाना। बकरे दो दिन में ऐसे टाइट है माशाल्लाह भाई, जिस दिन लाया हूँ ना सुबह में फजर में पहुंचा हूँ, 7:30 बजे सबको नहला दिया था मैं, पहले दिन इसलिए आपको बुलाया था, माल लाते साथ नहला दिया था। और सारे बकरे फ्रेश है, कोई भी ऐसा थकान वाला बैठा हुआ सुस्त नहीं दिख रहा है, एक भी बकरा, एक भी बकरा नहीं है माशाल्लाह भाई। माल मटेरियल खाए हुए बकरे भाई जी, ये चना घी दूध सब पिए हुए बकरे, पले हुए बकरे माशाल्लाह। इसके वजन क्या बताए, 80-85 किलो इसका वजन है। 6 दांत का बकरा है, 6 दांत, 6 दांत पे है माशाल्लाह। बकरे देखो यार, बकरे देखो, शौक गला पट्टी देखो ना समीर भाई, ये देखो, ओ हो हो, ये तो मैंने बांधा हुआ है, ये क्या कर रहे, रस्सियां तोड़ रहे तुम्हारे सामने भी, अभी तोड़ा ना, कितनी बार तोड़ी, पीछे वाले ने तोड़ा है ना, ये रस्सियां बांध दे मजबूती के लिए भाई, 10-10 मिनट में रस्सी तोड़ के भाग रहे। अभी कौन सा दिखाएंगे, इस पे आओ भाई, मेरा एक और फेवरेट, इसको मैं अंदर से कैसे दिखाऊंगा भाई, तुमने सब जगह बकरे बांध के रखे हो। अरे यार समीर भाई, शेर भी देखने का डर भी लग रही है। अरे भाई तो शेर से डर लगे ना, शेर देखने का शौक सबको है। ये देखो माशाल्लाह, फुल फरी भाई, ये अपना पुराने लॉट का तो नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, नया है ना ये लॉट, क्योंकि अपने पास ऐसे बकरे हैं ऑलरेडी, पहले एक, भी है। एक फरी है ना गुलाबी में, गुलाबी में, ये देखो बकरा माशाल्लाह, खूबसूरत बेहतरीन भाई, कितने दांत पे, 5वां दांत निकाला समीर, 5 दांत, वजन 80-85, वाह चेहरा देखो समीर भाई, क्या बनाया, क्या बनाया है ये, एज पे ये चेहरा है, जब बड़ा होएगा बकरा तो क्या चेहरा है, बहुत बड़ेगा बकरा है, पाए भाई भाई खोलेगा ना भाई, इसके ऐसा बकरा नहीं होएगा, ये भी पलटी के लिए इंशाल्लाह बिकेगा, मेरे को उम्मीद है अल्लाह से, मेरा सौदा चल भी रहा है एक पार्टी से, अपने रियाज भाई करके कस्टमर है, कुछ अमाउंट के लिए अपना मामला रुका है, इंशाल्लाह अगर सौदा हो गया तो ये और इसका एक जोड़ीदार बकरा है, सेम है दोनों भाई, सेम है, ओके दोनों पलटी के लिए जाएंगे, अगर नहीं हुआ सौदा तो कस्टमर फिलहाल कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं, अभी सौदा चालू है, चल रहा है, डन नहीं हुआ है, ठीक है। ये बकरा देखो, अरे भाई तुम्हारा ये वाला बकरा बहुत खतरनाक है यार, मैं इसकी रेंज में ना आ जाओ, ये रस्सी तोड़ तोड़ के मार रहा है, मारेगा नहीं, हो बकरों पे गर्मी दिखा रहा है, मारेगा नहीं। ये देखो ये बकरा देखो, ओ हो हो हो, उसके हथियार क्या है, खूबसूरती, हाँ माशाल्लाह, ये बकरा भाई नहाया हुआ शूट करने का था तुमको, क्या बोल रहे यार, बहुत गुलाबी है, बहुत गुलाबी, ये तो एकदम हाइपेड जैसा बकरा है यार, ना उसकी माशाल्लाह, 4 दांत फ्रेश, 4 दांत फ्रेश है दानिश भाई। हाइट में क्यों ऐसा लग रहा है कि छोटा है बकरा, कम है ना, एज में भी तो कम है, 4 दांत, 4 दांत, असल में क्या है ना समीर भाई, ये खाए पिए हुए बकरे, तो इन्होंने पेटियां बड़ी बड़ी कर ली है कम उम्र में,
तो ये तुमको नाटा दिख रहा है, नाटा दिख रहा है। अब ये बकरा अगर जंगल में होता था तो इतना बड़ा पेट नहीं होता उसका। हाँ। तो बकरा दुबला पतला दिखता रहता, लंबा छोटा बकरा दिखता है, नाटा नाटा दिख। अब हाइट मापा मैंने भी ना इसकी, तो 37 हाइट आई, 37। लेकिन आगे फ्यूचर में अगर पल्टी 39-40 तो जाएगा, 39 तो मरी हालत में, 39 टच कर देगा आराम से, चार दांत पे है अभी। और फ्यूचर क्या, पल्टी के लिए जा रहा है, सोल्ड आउट हो गया। अरे तुम तो फिर यार तुम क्यों ऐसा लालच दिला रहे हो लोगों को यार। और कौन सा दिखाएंगे भाई? सबसे खतरनाक डेविल। इसका नाम क्या है? डेविल। डेविल ये सबसे शैतान बकरा है भाई पूरे लॉट, इसलिए उसको तुमने बहुत दूर बांधे हो गया। अरे बाप समीर भाई, इसने लाने के टाइम पे ट्रक में इतना धमाल मचाया है, इतना धमाल मचाया है। और एक मर्डर भी कर दिया, मर्डर कर दिया। एक बकरा 90 किलो का बकरा मार दिया इसने। इसने क्या किया, जोर से उसको दबा दिया, बकरा एकदम अरे यहाँ पहुँच के लटक गया भाई। इसके लिए इसको मैंने सबसे अलग बांधो। तुम जब अंदर बंधे थे बकरे तभी भी तुम देखे रहोगे तो ये बहुत दूर बंधा हुआ था। इसको सबसे अलग ही बांधा गया है, बहुत शैतान है, खतरनाक बकरा है, बहुत शैतान। कितने दांत पे है? छठा दांत किया है समीर भाई, 80-85 किलो है ये भी। अच्छा, इसका नाम दे चुके हो? डेविल इसलिए ही दिया, शैतान मार रहा है सबको, मार रहा है करके। माशाल्लाह। ओहो आवाज क्या है उसकी, बहुत झंडे भाई, क्या आवाज है उसकी यार, माशाल्लाह। वाह, मैंने पूरे सीजन में जितने बकरे कोटे शूट किया हो ना, दो वीडियो में यहाँ शूट हो गए, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार अल्लाह ने बहुत अच्छी, बोलते हैं ना, नजरें करम है मेरे पे कि कोटे मिले इस साल, कोटों का शौक कराया उन लोगों को यार, लोग कमेंट करने पे मजबूर हो गए। हाँ बस अल्लाह यही तरक्की दे भाई, इंशाल्लाह ताला पूरा साल तुम्हारे को अपन कोटे दिखाएंगे भाई, इंशाल्लाह। भाई इसकी क्या डिटेल, सोल्ड आउट हो जाएगी, कोटा दिखाने तुम्हारे चैनल पे, अब तुम्हारा चैनल भी कोटा के लिए चैनल बन गया। भाई इसकी पहले बताओ, सोल्ड आउट है के अभी अवेलेबल है? माशाल्लाह, क्या डिटेल पर है? 80-85 किलो, 38-39 हाइट, छठा पांचवा दांत फ्रेश, ये भी पल्टी के काम का बच्चा है, माशाल्लाह। चमक देखो ना समीर भाई, गला पट्टी देखो यार भाई, रुकेगा ही नहीं, रुक रहा है वो, मतलब उसको चाहिए अंदर घुस के तोड़म फोड़ कर डालू खाली। ओहो अरे बाप रे, आवाज में क्या वजन है उसकी यार, उसके वजन के जैसी आवाज में भी वजन है उसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये आए ना समीर भाई, दो दिन से खाए नहीं है बकरे, सबके पेट चपक गए। तमाश भाई बता रहे थे कि खाना तो पेट खा रहे नहीं, नाटक कर रहे, बोले गर्मी दिखा रहे बकरे नई जगह पे आके, ये दो तीन दिन अभी ऐसा करेंगे उसके बाद सेट हो जाएगी, शांत होंगे फिर खाने पे ध्यान देंगे। लेकिन उसके बाद अभी तो शांत होना नहीं चाहिए, फिलहाल तो गर्मी पे ही बिक रहे बकरे, बिकेंगे मेरे हिसाब से तो बकरे अगर नहीं भी खा रहे। क्या देखो ना यार भाई, मुंह क्या उसका, ये इधर मुंह दिखा देना, देखो ये देखो भाई, उसके बॉडी पे रिंकल देखो, बड़ा होएगा ना तो उसके रिंकल देखने, ए संभाल रिंकल देखने जैसे होंगे दानिश भाई, चेहरे से कोशिश करना ये बकरा पल्टी पे जा रहा है, बस अल्लाह करके कोई पल्टी वाला कस्टमर मिल जाए, चीज है देखो ना, सीने पे पकड़ के रखा बेटा, अगले साल के रमजान सीरीज देखो, धमाल हो जाएगा, धमाल। रिंकल देखो भाई, ये देखो पतीरा क्या रिंकल देगा, रिंकल देगा यहाँ से, रिंकल कोटा दे रहा है, ये देखो यहाँ से रिंकल है उसके चेहरे से। और अभी तो बहुत टाइम बाकी है उसको, अल्लाह करे अगर ये पल्टी पे गया मजा आ जाए, तो धमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक एक बकरा अपने अपने बोलते हैं ना क्वालिटी रखता है, क्वालिटी है माशाल्लाह। और भाई इसको दिखा दे, देखिए इसको दिखा दे, ये वाला और वो तुम्हारा खतरनाक वाला वो बकरा दिखाइए। पहले इसको दिखा दे भाई, इसको ये रस, ये बच्चे 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 बच्चे, पहले बोलना तो मार खाने के बाद बताएगा, मैं इतना एंड पे बोल रहे हो असल तो मच भाई, मेरी सुपारी लिए लग रहा है इन्होंने। क्या चमत्कार है, जरा मार खा बाजू में से निकल उसके एक बार, अरे उसमें बनाना, उसकी रेंज पे नहीं आ सकते भाई, ये रुक, वो तुम जो डाले थे अनस्टॉपेबल एग्रेशन, ये मेरे को लग रहा है उसका उसका बाप है, बाप है। चिल्लाएगा नहीं मारेगा साला, ऐसा है क्या बात कर रहे हैं, वाह भाई इसके भी क्या रिंकल छोड़ रहा है यार, भाई जरा पकड़ दो मुस्तफा, रिंकल दिखा खाली, रिंकल पकड़ नहीं पाएगा, बाजू में से निकलना वैसा जैसा निकला था, अरे बाप, वापस वापस, बकरा देखो यार माशाल्लाह, क्रॉस हो ना वहां से, क्रॉस हो खाली, पूरा धूल उड़ा दे रहा है, उड़ा दे रहा है यार वो, बहुत गंदा फटका देता है, बेर है बेर है, ये देखो माशाल्लाह, मर्डरर ये है, लेकिन मेरे को लगता है ट्रेनर वो आ रहा है इसका। अच्छा जा यहाँ से, हाँ
अरे बाप रे, उससे भी संभाला, वो भी बहुत डेंजर है, रस्सी वो तोड़ रहा है। हाय, इस बकरे का उस्ताद होगा ये। हाँ, सबका बाप है भाई वो। माशाल्लाह, वाह। एक ये बकरा समीर भाई, हाँ। एक ये काला, मतलब सबसे गर्म का अगर तुम किताब दोगे ना इन बकरों में, हाँ। एक वो बकरा, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट है ना ये वाला, जो जो जवान काली जवान, काली जवान जो बोल रहे थे तुम, वो भी बहुत खतरनाक है, अल्टीमेट गर्म है ना ये तीन बकरे। मतलब गर्म तो सब है ये तीन, लेकिन ओवर लिमिट गर्म है, कंट्रोल नहीं हो रहे ऐसे बकरे। वाह, नीचे झालर देखो क्या छोड़ा है उसने, गला पट्टी। समीर भाई चेहरा कितना बड़ा है देखो ना उसका, चेहरा देखो मोटा है उसका। फ्रेम क्या है बकरों की यार, माशाल्लाह। मैं जगह देखो अभी भी कितनी है, 90 किलो 92 किलो पे बकरा है अभी ये, 40 मतलब भाई पलटी मारो इन सब बकरों को, ले लेके रख लो एक साल। और लिया क्यों ये बकरे, यही रीजन से लिया के अपने मतलब के रेट आए, जिसका वो बिकेगा, जिसका रेट अपने को अपने मतलब का नहीं आया वो बकरा पलटी मार। खाएंगे खाएंगे, यहाँ पे रहेंगे, बनेंगे, खाएंगे, अगले साल के शो स्टॉपर है, शो स्टॉपर है ये सब, सबके सब, माशाल्लाह। दानिश भाई सेल के लिए अवेलेबल है ना ये? ये है, ठीक है। क्या दांत पे ये? छठा दांत अभी किया। और वजन? 1995। ओहो, आप खड़ा हुआ है, पोजीशन बनाया बकरा, माशाल्लाह। अब इसको दिखाते हैं, गेंडा है, गेंडा ये देखो, रस्सी तोड़ू बकरा, रस्सी तोड़ू बकरा। मेरे को थंबनेल के लिए इतने सारे नाम मिले ना यहाँ पे, कौन सा रखूं वो दिमाग में सोचना मार दिया। पाइप था ना, था ले, सिंग नहीं लगी, खाली हाथ बैंड हुआ। चल रे, प्यार से पकड़ा तो लाड़ में आ गया। वाह, आज वीडियो का मजा ही कुछ और है भाई, मजाक के अलावा सीरियसली बकरे जो हरकत में है ना, खतरनाक भाई। कितनी ये सोल्ड आउट है, ये है अवेलेबल है, कितने दांत पे? छह दांत 38-39 हाइट, 98 किलो वजन, 100 किलो, मतलब 98 ही बोलूंगा मैं, पर चलो 98 ही मान के बकरे, क्योंकि वहाँ का वजन मेरा ये 103-104 किलो है, 5-7 किलो बकरे यहाँ के टूटा रहे, बहुत बड़ी पेटी का बकरा समीर भाई, ये खाया नहीं है बकरा भाई, अगर इसको भराई कर दूंगा और इसकी पेटी दिखा दूंगा ना मैं, तुम बोलोगे वाकई में भराई का बकरा है ना, माशाल्लाह। लेकिन ये बकरे सारे सेल्फ फीडिंग वाले, कोई भी भराई का नहीं है, सब सेल्फ फीडिंग। अगर भराई करना है तो अगले साल के लिए आपको रखना पड़ेगा बकरा। अरे इंशाल्लाह जरूरत भी नहीं पड़ेगी समीर भाई, मुंह से खिला के बकरे 120-130 किलो पर लेके जाएंगे, नस्ल है प्लस बकरे ऑलरेडी तैयार है, तो इनको और तैयारी चढ़ेगी तो मजा आएगी, मजा आएगी। ये सफर वाले बकरे तो नहीं है कि यहाँ के 6 महीना पड़े रहेंगे, ये सेट बकरे, ये लोकल जल्दी यही आसपास महाराष्ट्र के क्लाइमेट से, माशाल्लाह अच्छे से पले हुए यहाँ पे। अच्छा, तुरुप का एक कप पकड़ा है मेरे भाई ने। बवाल मत करो, सब पहुंच जाएंगे, और पहुंचने ही वाले, अपने ही वाले पहुंचेंगे ये भी मैं बता दूं। क्योंकि हसद बाहर वालों को कभी नहीं होती, हसद हमेशा अपने वालों को होती है ना। चलो कोई नहीं, ब्यूटी, कोटा की ब्यूटी, ब्लैक एंड व्हाइट, वाह बकरा देखो। इसको बोलते वाइल्ड फेस, पंच फेस, वाइल्ड फेस, जो बिल्ली में बोलते ना, जो कितना मोटा मुंह, बिल्ले का जैसा मुंह आता है ना, बड़े बिल्ले लोगों का। हां यार, ये देखो चीज है, आंखें उसकी दबी हुई है उसके चेहरे पे, देखो ना कितना मोटा मुंह है उसका। वाह यार, माशाल्लाह, नशीली आंखें वाला बकरा, माशाल्लाह। लिटरली उसके बोलते ना गाल है बकरे को, नाक है बकरे को, चर्बी है ऊपर, इसकी आंखें धसी है, ये देखो चेहरे पे ही पूरा खेल है भाई इस बकरे का तो, माशाल्लाह। इसमें सबसे अच्छी चीज गुलाबी लाया, गुलाबी लाया, नाक गुलाबी लाया, सोने पे सुहागा, स्पॉट है माशाल्लाह भाई। कितने दांत पे है ये बकरा? 6। और अवेलेबल है सेल के? 6 के ऊपर मेरे ख्याल से इसमें कोई भी बकरा नहीं रहेगा सब, ये सेल के लिए अवेलेबल है। वजन क्या है इसका? 80-85। वजन से कोई लेना देना नहीं है, बकरे सारे जो है नक के रेट में काटा कर देंगे अपन, हाँ। एक मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वजन ऊपर आएगा नीचे नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अपना जो सौदा होगा सारा नक का ही रहता है, नक का सौदा है तो। और माशाल्लाह भाई बकरों को ना वीडियो में बैठ के खाली ना गेम मत खेलो के वीडियो भेजो। अरे भाई बहुत अच्छी बात बोले तुमने, मेरे को वीडियो, मेरे को वीडियो देख के कॉल आता है, ठीक है, ये भाई ये बकरा कितने का, अपन XYZ अमाउंट बताए, ठीक है, फिर बोलते भाई वीडियो भेजो ना। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला हूँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हूँ, तो मैंने क्यों डाला हूँ? आपके लिए। फिर तो मैं पर्सनली फिर से वीडियो भेजू और वही वीडियो मैं आपको पर्सनल में भेजू, तो ये कौन सी बात होगी?
इंस्टाग्राम पे देखो वीडियो, यूट्यूब पे देखो वीडियो, हाँ आपका सौदा डन है तब आप बोलो कि भाई ये बकरा मेरे को पसंद है, मेरा सौदा डन है, इसका मेरे को वीडियो भेजो, अपन इंशाल्लाह टोकन कर दे। आप सबकी वीडियो मंगवाते हो फिर बोलते हो कि अब्बा से बात करके बताऊंगा, भाई से बात करके बताऊंगा, तो वीडियो अशरफ भाई का डायलॉग है, अब्बा अम्मी खाला मामू चाचा से पहले पूछ लो, यूट्यूब की वीडियो अब्बा भाई मम्मी चाचा स्क्रीन पे दिखाओ, बॉयफ्रेंड सबको दिखा दो स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद बोलो कि ये बकरा मेरा डन है, बस ठीक है। तो भाई मत खेल खेलो, और मैं एक बात बोलता हूँ, सीजन का टाइम है अभी, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता समीर भाई, हम लोग यहाँ पर घर नहीं जा पा रहे, खाने का टाइम नहीं हमारे पास, कोई चीज की फुर्सत नहीं है मतलब, और आप उसमें बीच में से वीडियो मांगते हो, चलो हम लोग भेज भी देते, उसके बाद तुम डायलॉग मारते हो ना कि अब्बा से पूछ के बताऊंगा, तो बहुत जान जलती है, अब्बा से पूछ के बताने वाले बहुत है यार, पहले ही अब्बा से पूछ, सीजन में एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, ऑफ सीजन में ये चीज की वो हैरानगी नहीं रहती, अब अब्बा को ही सौदा करना है तो तुम क्यों बात कर रहे हो, अब्बा को लेकर आ जाओ ना फार्म पे। अच्छा दूसरी चीज, फोन पे सौदा करते तुम, मेरे समझता हूँ भाई, चलो आउट स्टेशन वाले कोई होते ना, जैसे हैदराबाद दिल्ली विल्ली यहीं से कॉल आ रहा समझ, बट आप लोकल बॉम्बे में रहते हो, आप मेरे से वीडियो मांगते हो, फोन पे सौदा करते हो, फिर आप टोकन नहीं डालते हो, उसके बाद बोलते हो कि मैं फार्म पे आता, तो आप भाई डायरेक्ट फार्म पे आओ ना, मैं हर कस्टमर को ये सलाह दूंगा, आप यहाँ आओ, सारी वैरायटी देखो, मेरे पास दो चार बकरे तो नहीं है कि मैं आपको वीडियो भेजूं, मेरे पास 30-35 बकरे एनी टाइम रेडी खड़े, आप सुकून से आओ, बकरे देखो, पसंद करो, ले जाओ, सही। तो भाई वो चीज़ मत करो जो जिसके बारे में हमने बात की, और बकरों को ना ये मत सोचना कि वीडियो अभी आई है तो ये होंगे या रहेंगे, भाई ये भाई के पास इंस्टाग्राम आईडी खुद का है, ये एक एक मतलब मैं समझता हूँ ना, इसमें तो जो समझ में आएगा वो बकरा बेच देगा, ये हाथ में इसके कला है ये बंदे की, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो अभी ये बकरे रुके हैं तो सिर्फ वीडियो के लिए रुके हैं, ये अपनी वीडियो बनाना बाकी थी करके, मैं अभी तक इंस्टाग्राम पे मेरे सिर्फ पांच बकरों की वीडियो डाला और पांचों के पांचों बिक गए, बस उसकी डाला था हैदर की, हैदर बिक गया, व्हाइट वाले की आज सुबह डाला हूँ बिक गया, एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो अभी बाहर नहीं निकाला उसको भी निकालना वीडियो में दिखाएगी बकरा, ये ब्राउन वाला बिक चुका है, ये ब्राउन वाला बिना वीडियो आए बिक गया, तो इस चीज को हल्के में मत लो, क्योंकि भाई हम लोग को अभी सीजन है, हम लोग भाग दौड़ में, लेकिन ये खुद अपने इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं भाई, देखो ऐसा ना दानिश भाई, अपन समझते हैं कि अपन अगर क्वालिटी रखेंगे ना तो अपने को माल बेचने जाना नहीं पड़ेगा, लोग खरीदने ढूंढने आएगी, ढूंढ के आएगी अपने पास, अपन वो हिसाब का माल रखते हैं कि लोग वेट करते, अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट लॉट बेचा ना समीरा, उसके बाद में थोड़ा ठंडा बैठ गया, ठंडा बैठ गया इन द सेंस मेरे को माल नहीं मिल रहा था, और मिल रहा था तो मेरे रेट में नहीं पड़ रहा था भाई, मेरे को कस्टमर्स लोग क्योंकि फोन पे फोन आ रहे, भाई मेरा बकरा बाकी है मैं कब लूंगा, अच्छा मैं लूंगा तो डी गोट फार्म से, मैंने एक स्टेटस भी डाला था, देखो बकरे ऐसे लाओ कि लोग बोलना चाहिए इस बार का बकरा डी गोट फार्म से ही लूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ये है कि भाई बकरा तो तुमसे ही लूंगा, कोटा बकरा लूंगा तो तुमसे लूंगा, खस्सी लेने में कहीं भी जाऊंगा लेकिन कोटा तो तुमसे लूंगा, तो वो अपन वो मुकाम पर पहुंचे है ना भाई, और अपन लोगों की पसंद की चीज ला रहे भाई, अपनी और अपने अपने से रिलेटेड जो कस्टमर है ना उनका और अपना टेस्ट मैच कर मैच कर रहा है, उनको भी पता है कि ये बकरे क्या रेट के आते हैं, ये नए कस्टमर के लिए ऐसा होता है अरे बाप रे कितना महंगा बोल रहा है, वो नए कस्टमर के लिए नए लोगों को जिसको इल्म नहीं है, इल्म नहीं है, और जो शौक करते हैं जो साल भर बकरे खरीदते हैं जिनके कॉन्टैक्ट जंगल में भी है उनको पता है कि अपन क्या रेट में दे रहे, जंगल से सस्ता अपन यहाँ दे रहे, और ये जो कोटा वोटा बकरों के जो शौकीन होते हैं ना, कोटा हो गया, सानेन हो गया, एक्जोटिक ब्रीड्स के जो बकरे के जो शौकीन होते हैं ना, वो आज लेके कल कुर्बानी करेंगे ही नहीं, वो ज्यादातर पालने वाले रहते शौक भाई। पालते हैं उन बकरों को, रखते हैं उनको, तैयार करते फिर अगले साल, उनको इनका पोटेंशियल मालूम है, उनको इनकी नस्ल मालूम है कि भाई मैं इसको और 6 महीना रुकूंगा तो ये क्या जाएगा, और 1 साल रुकूंगा तो क्या जाएगा, वो खुद भी इतना नॉलेज रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उनको समझाना नहीं पड़ता है कि पलटी करो ये इधर जाएगा, नए कस्टमर को समझाना, नए कस्टमर को पूरा समझाना पड़ता है। ये बकरा सेल के लिए अवेलेबल है भाई समीर भाई, है ये बहुत बड़ा बकरा है, हाइट में ये 40-41 हाइट का बकरा है, और एज में बहुत कम है, 5वां-6वां दत्त फ्रेश किया है, और ये कैसा बकरा है समीर भाई, करोली पट्टे में बकरा है, ये बकरे बहुत हाइट लेके जाते हैं, मैं अभी कोई बकरे का नाम नहीं लूंगा, रिसेंटली एक बकरा आपने देखे रहोगे तो ये ब्लड लाइन वैसी है, ये मतलब बहुत बड़े बड़े फर्मा हो जाएगा, उतना नहीं भी मतलब, लेकिन ये वैसे लुक के बकरे, ओके साइज लेंथ दिखेगा वैसा मतलब, ओके है ना चानस का बकरा है, लेकिन अभी फिलहाल में रेट में सही, वही बोल रहा कोई लेके अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया ना ये बकरे को साल भर और मुंह से खाने के लिए छोड़े हुए बकरा साल भर में, इंशाल्लाह अगर 42 हाइट कर लिया ना भाई लोग याद करेंगे क्या चीज लेकर आ रहा है,
माशाल्लाह भाई, मैं तो बोलता हूँ क्या ईद और क्या सीजन, अगर ये बकरे अपन हर बार लाए और साल के 12 महीने ही बेचेंगे ये बकरे, ये क्वालिटी के बकरे तो भाई बिकना ही बिकना है। चीजें यार, एक से एक बकरे है माशाल्लाह। यही है, यही खड़े। दूसरा कौन सा दिखाई, वहां से लो ये बकरा शूट कर लो। ये देखो बकरी की फ्रेम देखो सबसे पहले, बाकी बातें बाद में। ये देखो वाह क्या लेंथ है, देखो समीर भाई क्या लेंथ पे है बकरा, माशाल्लाह वाह वाह वाह। कलर देखो समीर भाई बकरे का, तो जमुनापारी की लेंथ होती क्या, लंबी लंबी वैसा बकरा है यार, ऐसी लेंथ माशाल्लाह। दानिश भाई कितने दांत का बकरा है ये? छह दांत। क्या वजन पे? 95 केजी अवेलेबल है ना? नहीं सोल्ड आउट। क्या खून जला बोला ना, बकरा एक रील्स पे डाला बता दो। अच्छा वो बकरा है ये, माशाल्लाह। देखो ये बकरा भी रील्स पे से सोल्ड आउट हो गया। तुम और दो दिन लेट आते थे कोई बकरे नहीं दिखाता था फिर मैं। तो भाई ये जो चीज है ना, बार बार बोल रहे हैं हम कि इसको हल्के में मत लो। एक बकरा लाना, बकरा अगर रील पे आया तो बिकेगा, तो भाई आपके हाथ से मिस ना हो जाए, आप लोग उस चीज का ख्याल रखो और बकरे फटाफट लो। दानिश भाई दूसरा कौन सा बकरा दिखाएंगे? ये वाला, ये बाकी है, पीछे का बाकी है, बहुत बकरे बाकी है। 1, 2, 3, 4 वो तो हो गया, ये बाकी है भाई। ये वाला दिखाओ जरा, डिटेल बताओ इसकी। हाँ ये बकरा देखो दानिश भाई, याक। क्या नाम है इसका? याक। अच्छा ये उसका बाल वाले का पार्टनर है क्या, जोड़ी? नहीं, नहीं, वो है पीछे बाल। अच्छा ये खड़ा है, ओके ओके, सेम कलर। ये बकरा देखो फुल याक, बहुत खूबसूरत। कितने दांत पे दानिश भाई? 4 दांत पे। 4 दांत का बकरा है, 4 दांत पे। सिक्का देखो समीर भाई कितना बड़ा है। क्या वजन पे? 75। चेहरा देखो समीर, ये शांत अभी दिख रहा है या ये शांत है? ये चिल्ला पुकार नहीं है, मारा पीटी है। इसके नजदीक बकरा आएगा ये सिंह घुसा देगा। अच्छा सही हाय है, थोड़ी थोड़ी हरकत है लेकिन वो उतना अवली नहीं है, बाबू नहीं है। और ये बकरे लेने में फायदा ये होता है कि ये अच्छे खाते और अच्छे बनते हैं। समीर भाई ये बच्चा अगर कोई पाला ना, मैं 2-3 साल पहले एक बकरा भोपाल का देखा था, ऐसा सेम बकरा, यही कलर, पीछे जो झालर के बाल है ना उसके तो पला था ना बकरा, और तो और नीचे तक आते, ये बाल इसके बहुत बढ़ेगा, गुच्छा बन जाएगा। हंसा का जैसा गुच्छा बन जाएगा वैसा गुच्छा बन जाएगा। बकरा साफ सुथरा रख के किसी ने तैयार किया ना बकरा, वह अगले साल है ना बकरा इंशाल्लाह ताला देखते रह जाएंगे लोग। झंड बकरा, झंड बकरा, अरे खूबसूरती भाई, मेन अल्लाह ने उसमें कलर जो दिया है ना बहुत अच्छा दिया, उसमें वो पीछे बाल आ गए। अगर वो बाल नहीं आते ना तो बकरा कुछ नहीं दिखता था, मेन वो बाल आने, बाल से वो बकरों में रौनक आ जाती है ना माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बकरा, अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, 4 दांत पे ना, 4 दांत। और वजन क्या बताया? 75 to 80 केजी, माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है भाई। दूसरा गरम बकरा के बाद इसका नंबर है। अच्छा ये टेम्पो गाड़ी में आए कैसे भाई? भाई सोचो मैं अकेला जाके बकरों को, एक एक बकरों को टेम्पो में चढ़ा चढ़ा के लाया, कमर बीमार सब टूट गई थी भाई। माशाल्लाह चीज, पहले बकरा देखो आप, मारते हैं बाद में बात करेंगे। वाह भाई पीछे वाला भी, उसकी भी रडार में हो तुम, हाँ ध्यान देना, सब जगह खतरा है, रेंदो फिल्म बन जाएगी। बकरे की हाइट बहुत अच्छी है दानिश, 41 हाइट। हाँ 41 हाइट, चेहरे का भी बहुत बड़ा है, 41 हाइट, 98 केजी, 41 हाइट पे बकरा है माशाल्लाह। छट्टा दांत फ्रेश, छट्टा दांत फ्रेश, वीडियो चालू ही है और पीछे से बकरे आते जा रहे हैं, 2 बकरे उधर है, 1 बकरा इधर है माशाल्लाह। आप बकरे देखो शौक करो और लो बकरे, ये देखो छट्टे दांत पे 41 की हाइट, 98 केजी। गर्दन देखो साला पकड़ने नहीं देगा भाई, नहीं तो बकरे को कायदे से पकड़ के बता दादा। चीज़ है लेकिन अवेलेबल है ना? अवेलेबल है, कोई शौकीन लिया ना भाई ये कुर्बानी के लिए भी इस साल धमाल मचा देगा। ये साउथ मुंबई या जोगेश्वरी जाएगा मेरे को मालूम है। वही अपने ज्यादातर बकरे साउथ मुंबई या जोगेश्वरी साइड पे या फिर जोगेश्वरी मीरा रोड, वहीं के लोग हैं शौकीन। मीरा रोड में इस साल बहुत बकरे गए भाई, ज्यादातर मेरे बड़े बकरे मीरा रोड गए। अच्छा फिर तुम्हारा साउथ मुंबई में आगरी पाड़ा पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने बकरे जाते हैं माशाल्लाह, अपना लाइगर टाइगर आगरी पाड़ा जाएंगे, रही जाएगा अपना जोगेश्वरी माशाल्लाह। और वो कौन सा बकरा मीरा रोड, मीरा रोड पे कौन सा बकरा है? ब्लैक लायन, लायन लायन लायन, मतलब
जितने बड़े बिग शॉट बकरे थे सब सोल्ड आउट हो गए। और अभी ये बिग शॉट इसके लिए तो लाना पड़ा कि वो दिखा दिए हम लोग ने, तो पब्लिक बोल रही भाई वो बकरे बिक गए, अब हम लोग क्या लेंगे। हाँ, इसलिए हम लोग लाते जा रहे बड़े बकरे, लेते जाओ। इसने क्या किया मालूम है, उतरा है ना वो बकरा लेके अंदर चले जाके छुपा दिया बकरा, बोले तुम बेच देंगे भाई ये बकरा, मैं बेचते नहीं दूंगा। बहुत अलग बकरा, इसको मालूम भी नहीं मैंने पीछे पीछे बकरा बेच डाला। आगे बोला बकरा बिक गया। हाँ। बोले भाई ये क्या कर दिए यार, मतलब टेंशन मतलब पलटी वाले ने लिया चीज है, बहुत बहुत लायक पलेगा, एक साल बकरा रहेगा ना अपने पास रहेगा वो। हाँ, अगले साल का भाई, अगले साल का सबसे बड़ा बकरा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपन है ना भाई, अगले साल जो शो करेंगे ना ये वीडियो सुना हवाला देके शो करेंगे। नहीं, ये वीडियो तो दिखाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन शो सिर्फ कोटे का ही करेंगे। कोटे का शो, अच्छा एक कोटा शो करेंगे। एक कोटा शो करेंगे, ये बेस्ट आइडिया है ना। ओनली कोटा शो, ओनली कोटा दिखाएंगे उसके अंदर, कोई दूसरा बकरा बना के फुल पब्लिक को दावत देके कोटा दिखाएंगे, वो एक शो करेंगे इंशाल्लाह है ना। लाओ दूसरा बकरा कौन सा है अभी भाई, बचा है ना अभी पहले, अच्छा बीच वाला एक बचा है वो जो फरी वाला बताया था ना, उसका पार्टनर जोड़ी, ये दोनों जोड़ी में है दानिश भाई। हाँ, ये जोड़ी बन गई है ऐसे तो अलग अलग रहा हूँ, मैंने जोड़ बनाया हूँ कि भाई ये जोड़ अगर ये जोड़ साथ में बिकेंगे और पलटी होगी ना तो जोड़ बहुत अच्छी दिखेगी। ओके सही, पूरा गुलाबी बच्चा है समीर भाई। सीना ही ना देखो, इसका चेहरा देखो, चार या छठा दांत क्या रहेगा, दांत चार या पांच दांत पे होगा। और वजन 75 केजी। बकरे का कलर बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा बकरे का बफ बहुत अच्छा है, बकरा गुलाबी है सबसे मेन चीज, पूरा आगे पीछे हर जगह से माशाल्लाह। गर्मी है, गर्मी मौसम में भी गर्मी, बकरों में भी गर्मी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अवेलेबल है सेल के लिए ना? यस, कॉल करके रेट ले लो आप, क्योंकि सारे एक्सक्लूसिव बकरे हैं, किसी का भी रेट ओपन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। समीर भाई चलो, वन मोर ब्यूटी ये देखो, वाह ये माशाल्लाह। खुले छोटा ही रहेगा ना ये भाई, इसको कोटा में ही रहेगा ना ये, खोलना इसको। हाँ, क्या डिटेल पर है भाई? समीर भाई छठा दांत फ्रेश किया है बकरा, 75 केजी है, पूरा गुलाबी मार्बल खोर मार्बल सिंह, चेहरा देखो बकरे का, बफ देखो, बाल की क्वालिटी देखो बकरे की माशाल्लाह। एक वीडियो में इतने बकरे, सब शो स्टॉपर, इतने बकरे माशाल्लाह, लोग शो स्टॉपर दिखाते हैं, अपन शो स्टॉपर्स दिखाएंगे। नहीं है तो बकरे बहुत लाजवाब यार, सामने लेना इधर लेना इसको यार। समीर भाई ये देखो, हाँ ये देखो बकरा, कितने दांत पता है दानिश भाई इसके? छठा दांत, छठे दांत पे है बकरा, कजला है भाई, कजला बकरा है, उसकी आंखों के ऊपर स्पॉट है ना, स्पॉट नहीं है भाई, काला कलर नहीं है, देखो ना नेचुरली उसकी स्किन पे ब्लैक ब्लैक हुआ है। अच्छा एक आंख में है, एक आंख में नहीं है, जैसे इंदौरी बकरों में आता है। हाँ, एक आंख पे है, एक आंख पे माशाल्लाह। ये है एक्चुअली इंदौर साइड के कोटा। ओके, ये वाला जो बकरा है ना, ये इंदौर साइड में जो कोटे आते हैं ना, मालवा कोटा क्रॉस में है ना ये, समझो ये देवनार में समीर भाई, वो मालूम आंटी लोग लाते जो 6-7 खस्सी के बीच में दो खूबसूरत अंडी लाते, ये वो है, ये वो बकरा है, पीछे झालर वगैरह, पूंछ के ऊपर क्या बाल लाया है, छोटे छोटे बच्चे लाते हो, 40,000 रुपए के बच्चे बेचते हो देवनार में लाके, इसमें के भाई इसके पैर पुर्जे भी बहुत मजबूत, बहुत मजबूत है, बहुत सीने वीने का देखो बनावट, देखो बकरे की। ये लॉट में लाया हुआ बकरा नहीं है समीर भाई, अपने फार्म पे पला हुआ बकरा है। अच्छा पलाई का बकरा है ये, पला हुआ, वाह। सेलिंग के अपना क्या, इसके प्राइस भी कॉल पे रहेंगे? कॉल पे। क्या डिटेल है इसकी? 6 दांत माशाल्लाह। तो ये डी गुड फार्म का पला हुआ बकरा है, ये लॉट का बकरा नहीं। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा बकरों के अंदर, आप ये बकरा देखो और ये सारे बकरे देखो, मैं बोलता हूँ ये भी ऐसा लग रहा है कि ये भी फार्म के ही बकरे, एक्चुअली ये भी फार्म ही पे पले हुए थे ना, जहाँ से अपन लिए वहाँ पे प्रॉपर फार्म ही था, उन्हीं के पास पले हुए बकरे थे। उसके अगर कोटा अगर अपन मंडी से लाओ या जंगल से लाओ तो मैं बोलता हूँ एक ढीले पड़े जाते, एकदम ढीले पड़े, देख भी नहीं सकते, एक महीना तो तुम वो बकरों की तरफ नहीं देख सकते, ये हकीकत है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपन लाए और शो कर दिए 2 दिन में बकरे, ये रीजन है समीर भाई, अपने ना खरीदी थोड़ी 5-10 हज़ार रुपए महंगी करते, लेकिन अपन बकरे टाइट लाते, टाइट लाते, अच्छे बकरे ला। अब इनके मुकाबले तुम बोलोगे मेरे को इतने में मिल रहा बकरा, तो भाई वो बकरा यार के बाद में घुटने पे बैठ जाएगा। हाँ, अपना बकरा बैठेगा नहीं। हाँ, ये बकरा देखो भाई, ये बकरा तो मैंने को लाके करीबन 15-20 दिन हो गए, हाँ, बेचने का मन नहीं हुआ अभी तक, और अभी भी मतलब ऐसा है कि कोई पलटी वाला लेगा, दामा डोले अगर कोई पलटी वाले, अच्छा कोई पलटी वाला लेगा तो उसको मिलेगा ये बकरा, ठीक है। ये देखो हाइट देखो समीर भाई इसकी,
ये तो भाई, ये मतलब इसने देखो 15 दिन में क्या फ्रेम बना लिया है सब कुछ। हाँ, तैयारी दाने पे आ गया ना बकरा। तो यही बकरे जो पीछे अपन ने जो शो किए वो भी 4-5 दिन में ऐसे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी कौन सा ईद कल है? छोड़ो, ये बकरे की खासियत समीर भाई बता दो, कहाँ रुकेगा? उन तो उनको ले जा रहा है। बहुत बड़ा बकरा है यार, ये देखो ना माशाल्लाह। ये बकरे की पूंछ देखो, ये हाथ में नहीं आएंगे, यहाँ आके हाथ लगाओ, ये आपके हाथ में नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। तुम्हारा हाथ देखो उस पे रखो, ये देखो, लोग ऐसा रखते तो बराबर पैक हो जाती है, ऐसा आ जाती है हड्डी। हाँ, ये तो हाथ में पूरी बैठ भी नहीं रही है, कितनी चौड़ा ने इसकी कमर में देखो। और बच्चे ने 5वां 6वां दांत फ्रेश निकाला। 41 हाइट, 95 किलो। 41 हाइट है, कंफर्म है? कंफर्म, 95 किलो माशाल्लाह। वो भी 95 किलो उतरा था उस दिन तुला है। हाँ। मेरे हिसाब से अभी 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए ना, 100 तो पहुंच ही गया। अभी दांत कितने हैं? 6वां 5वां फ्रेश निकाला है, ये देखो ना, 6वां 8वां तो है ही नहीं। ठीक है, बकरा देखो यार आप, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये सब बकरे बड़े हाइट के हैं भाई, ये सब हाइट के भी पीछे खड़े हैं भाई। लाओ सामने, लो इसको, लो लो कोई भी एक बकरा, लो सामने समीर भाई, पहले इसका कंप्लीट करते हैं। हाँ हाँ, ये बकरा समीर भाई पैर पुर्जे देख लो, मेरी नज़र में ये सेल्फ फिटिंग पे 130 kg नेक्स्ट ईयर जाएगा। ये मेरा इंशाल्लाह ताला तजुर्बा है, बाकी देने वाली जात अल्लाह की। बेशक कोई बकरा लेगा ये, मैं सेल्फ फिटिंग 130 किलो का कमिटमेंट करता हूं, कमिटमेंट करके अल्लाह के हाथ में। अच्छा, मेरी मेहनत रहेगी 130 किलो में मुँह से खिला के। ओके, तो एक चीज़ और दो मेरी बोलने पर, अगर 130 नहीं टच किया तो क्या करोगे? एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि कस्टमर उसको अट्रैक्शन है। 130 करवा के रहूंगा। नहीं कर तो कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे, अपन तो कोशिश पे चल रहे ना भाई। अगर नहीं हुआ तो टारगेट से मिस हो गए तो कस्टमर का क्या? कस्टमर को बोलूंगा बकरा मेरे को दे दो, कस्टमर से वापस खरीद लेगी, उसके पैसे मतलब बच जाएंगे, विद पलाई उसको पैसा रिटर्न दे देंगे, है ना? बकरे का पैसा मालूम है? हाँ, क्योंकि मेरे को मालूम है, मैं उसको 130 यही चाहिए मुझे। हयाती अल्लाह के हाथ में है, बीच में बीमार हो गया या अल्लाह ना करे कुछ हो गया बकरे को, वो सेकेंडरी है। बकरा नॉर्मल जैसा आज है वैसे ही अगर चला ना तो भाई अल्लाह ने चाहा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, टास्क नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत इजी टास्क है ये बकरे के, ये बकरे के पीछे। और अगर अल्लाह ना करे नहीं हुआ तो पैसा बकरे का और बकरे की पलाई रिटर्न मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो ये बकरे के लिए मेरी तरफ हो से हो गया, तो मेरे को एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा वो बताओ, वो कस्टमर देगा ना। तो वो कस्टमर से भी पूछना। हाँ, पूछूंगा कि भाई इनने तो कमिटमेंट, ये जो बकरा अगर ले गए ना, और अगर 130 की जगह 135 हुआ तो तुम इनको क्या गिफ्ट दोगे, बस बस है ना। हाँ हाँ, डबल पलाई, वीडियो में बात, डबल पलाई। चलो सही, दूसरा क्या ले गए? लाओ मक्की चीना, लो ना भाई अपना फेवरेट कलर। ए मक्की चीना गलत आदमी के हाथ में दिया, बकरा नहीं पकड़ पा रहा है वो बंदा। जाकिर भाई इधर आओ तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ बकरा पकड़। तो गाइस ये मक्की चीना कलर में कोटा, दानिश भाई। हाँ भाई, क्या डिटेल पर है ये बुर्ज खलीफा 41-42? बुर्ज खलीफा माशाल्लाह। है तो हाइटेड बहुत बकरा है यार, 41-42 बोल रहे हो तुम, मेरे को ज्यादा लग रहा है ये। 42 तो आराम से है ना, ऊपर आ गया तो जो लेगा उसके नसीब। 42 तो मेरे हिसाब से 8 दांत 95 किलो। 95 kg क्या लगता है, रखेंगे जैसा पलटी जैसा है बकरा? रख भी सकते हैं, पर मैं प्रीफर करूंगा कुर्बानी के लिए बकरा, कुर्बानी के लिए रखने को रख भी सकते हैं। अच्छा बकरा, बड़े फ्रेम का बकरा, बट 8 दांत किया है बकरा, इसकी वजह से मैं बोलूंगा कि कुर्बानी वाला अगर कोई लेगा तो इस साल उसकी अच्छी कुर्बानी हो जाएगी, बड़े बकरी, बड़े बकरी की कुर्बानी हो जाएगी। चलो मक्की चीना कलर थोड़ा चला फिरा के दिखाओ इसको, ये देखो रस्सी पे लो ना, मुँह छोड़ो ना, इन लोगों को दहशत हो गई है असल में, कान छोड़ो मुंह छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, वो ले जाएगा उनको, वो लेके जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर आ जाए। आरोपी, इसका नाम क्या? आरोपी, इसने क्या आरोप किया है? सर पे मार देखो उसके, तो हो जाएगी 4-5 दिन में सही। अच्छा, कॉन्क्रीट को तोड़ा है इसने भाई, वो जो अपने यहाँ गवानी होती है ना, बाड़े में अपने गवानी है ना तबेले वाली, वो गवानी को तोड़ा है इसने। वो लोहे की नहीं है, वो कंक्रीट की, कंक्रीट की, कंक्रीट की गवानी तोड़ा है कल रात को उसने। बाप रे, कैसे मैनेज हो रहा है? बस झेल रहे 24 घंटा, 24/7 काम चालू है भाई। हम लोग की शक्लें देख के नहीं लग रहा, नूर उड़ गया चेहरे से जाग जाग के। चीते कितने दांत का बकरा है? 6 दांत, 40 हाइट 40 90 किलो। 90 किलो अवेलेबल है ना? अवेलेबल है। अच्छा, वो जख्म हुआ है वो सही हो जाएगा ना? हाँ, पलटी का जख्म बहुत जल्दी सूखता है। हाँ, ये जो जख्म होते हैं ना माथे के जख्म, ये 3-4 दिन में सूख जाते हैं।
पलटी के लायक है बकरा? यस, है ना, अगेन रेडबुल बन सकता है नेक्स्ट ईयर का अपना ये भाई। जितने बकरे दिखा रहे हैं कोशिश करो कि रखो दानिश भाई के पास, इंशाल्लाह ऐसा शो करेंगे अगले साल, कोटा बकरों का एक्सक्लूसिव शो होगा, खाली रैंप पे चलेंगे बकरे, खाली बकरे चलेंगे उसके ऊपर, कोई बात नहीं करेगा, अपन सिर्फ बकरे शो करेंगे। ऐसा शो बोले भाई, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ सिर्फ शांति से बैठ के बकरे निकलेंगे, फैशन शो जैसा करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा बकरे का शो करेंगे। अल्लाह ने चाहा अगर इसमें से बकरे रुकते हैं पलटी पे तो बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे बकरे निकलेंगे सारे के सारे, एक नंबर क्वालिटी के बकरे हैं, अच्छी फ्रेम, अच्छे हाइट, अच्छी बॉडी वेट, अच्छे चेहरे के बकरे हैं भाई। कोई भी बकरा है भाई, ये अभी 80 किलो 90 किलो है, पलटी मारने पे भाई मैं बोलता हूँ 20 किलो पड़ने दो ना बकरा, फिर भी 100 किलो के बाद बकरा क्या दिखता है फिर। और अपने यहाँ का माल खाने पे जो पेटी खुलती है बकरे की, वो पेटी का कमाल रहता है, पेट खुलने पे बकरा दिक्कत आता है, बकरा तैयारी पे दिखता है। सही है, ला भाई छोटू। अरे छोटू तू अभी दिखा मुझे यार, कहाँ था वे? छोटू बड़ा हो गया अभी। ये देखा, वाह ये भी बकरा जोरदार है यार, है ना। क्या है, क्या हाइट है इसकी? 40 की हाइट, 40-41 हाइट, 6 दांत, 95-98 किलो, सोल्ड आउट। अरे यार सोल्ड आउट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अपने इस साल अपने से पहली बार जुड़े वो यूसुफ भाई करके है कस्टमर, जोगेश्वरी के है, पहले माहिम के, मतलब उनका सर्कल माहिम का है, रहते जोगेश्वरी में, अपने माहिम के जो फ्रेंड लोग हैं दोस्तों के उनके साथ ही आए थे वो भाई। लास्ट टाइम वो ब्लैक बकरे में से एक बकरा उन्होंने लिए, अपना इस साल का डॉन भी उन्होंने लिए, और कल आए परसों देखे स्टेटस, तो बोले भाई बड़े बकरे आ रहे, मतलब बड़े बकरे आ रहे, तो बोले भाई एक बकरा मैं ले लूँगा आके इंशाल्लाह, पलटी पे जाएगा। बकरे देखे, ये बकरा निकाले, बोले डन, और फर्स्ट टाइम पलाई पे अपने पास बकरे रख रहे। अल्लाह इज्जत रखे अपनी इंशाल्लाह ताला, ये भी बकरा अपन 125-130 किलो दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अमीर भाई इसके बाल देखो भाई, एक भी बकरा ना ऐसा नाम रखने वाला मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे तजुर्बे से ज़्यादा तुम लोग का है तजुर्बा इस चीज़ में, लेकिन मुझे सब चीज़ें ढूंढते हैं, सब चीज़ें ना जंगल में ना हम लोग घर घर जाके ये सब चीज़ें ढूंढते हाँ, हर बकरे में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अब देखो ना इतने बकरे किसी को है क्या इसी पीछे बाहर, ये बकरे में है एक वो जो याक दिखाया तुम, वो है उसमें दो बकरों में से एक चीज़ बकरे की बनावट को और बदल देती है भाई, चेंज कर देती है बकरे को। माशाल्लाह सोल्ड आउट हो चुका है, रखेंगे, सोल्ड आउट हुआ है, पैर पुर्जे का अच्छा बकरा, इंशाल्लाह इसको भी तैयार करेंगे, बफ वफ भी बहुत, अगले साल इसको शो करेंगे, अगले साल शूट करेंगे इंशाल्लाह। ला हो गया ये, ये देखो बस, ये देखो हमारे समझ, ये देखो एक और मक्की चीना, तुम्हारा फेवरेट मक्की चीना, फेवरेट कलर, यंग बच्चा है समीर भाई, पांचवा छठा था तभी किया है फ्रेश, 38-39 की हाइट है, लेंथ बहुत अच्छी है बकरी की। फ्यूचर कैसा है? ब्राइट, ब्राइट है, बहुत अच्छा, मोटा बच्चा है, देखो ना समीर भाई पेट की चौड़ान देखो कितनी है, वाह, चेहरे का वो देखो उसका, ये जो रुबाब है ना ये मोटा करेगा, और ये जो नकता है ना ये और मोटा करेगा, वो बकरों के मुकाबले ये बकरा उम्र में कम है, कम है, और अब उसके अंदर बनावट आना, बनावट शुरू होगी, अभी भाई बचपना है चेहरे पे उसके, बकरा जब बनेगा तो इंशाल्लाह ताला लुक के टक्कर का बकरा उससे भी बेहतर बन सकता है। एक साइड से बहुत ज्यादा स्पॉट है, दूसरी साइड से व्हाइट कलर ज्यादा है ना, दोनों कलर में बकरा अलग अलग कलर दिखता है माशाल्लाह कर रहा है। कान की क्वालिटी अच्छी है, कान की लंबाई अच्छी है समीर भाई, 16 अरे यार कान कितने लंबे उसके, 16-17 के कान है। अच्छा ये सारे बकरे एक ही बाड़े के है ना दानिश भाई? नहीं अलग अलग बाड़े के। अच्छा सिक्का विक्का एकदम परफेक्ट है समीर भाई इसका भी इंशाल्लाह अवेलेबल है, अवेलेबल है, अच्छा कस्टमर कोई आएगा पलटी वाला या कुर्बानी वाला जैसे भी है अपन देंगे देंगे। अभी और कौन सा बकरा बचा है? बकरे बहुत बाकी है अभी भी, वीडियो एक घंटे की होने आई है, देखने दो कोई किसी को बोर नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वीडियो दो घंटे की बनेगी, तो किए थे अपन ने हाँ, ये अभी सेल के लिए निकाले अपन। अच्छा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था ना, उस टाइम पे अपना मूड नहीं था, पलटी का मूड था, पर अभी इतने सारे बकरे जो लाया हूँ तो इनमें से कोई बकरा पलटी करूंगा फिर तो ये उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा आ गया है। ज्यादातर वो इसके बाद इसके पहले वाला जो बकरा बताया आ तो गया इरफान भाई वाला जो है वो तो आ गया इसके पहले वाला भी जो बताया ना 130 किलो का जो कमिटमेंट गया वो भी बकरा अपने पैसे आएंगे तो बिकेगा नहीं तो पलटी करेगा पलटी करेगा। यार ये बकरे की फ्रेम ही लाजवाब है, लंबा बकरा, बहुत लेंथी बकरा है, पकड़ पकड़ पकड़
एकदम सीधी पीठ का बकरा है भाई, एकदम सीधी पीठ है। हाँ मतलब ऐसा पीठ का अंदर बीच में कुछ उठा उठा हो ऐसा, एकदम फ्लैट है माशाल्लाह। बंधवाओ इसको नीचे। बंधवाओ मत यार, खुले रहने दो इसको यार। चीज वहाँ लू, वहाँ वहाँ लू, लो वहाँ लो सारा जाकिर भाई, वहाँ लो। मैं तो बोलता हूँ इसको लंबी रस्सी करके, थोड़ा लंबी रस्सी करके बांधो, नहीं तो झाड़ पे। यहाँ है ना, यहाँ हुक। चलो ना समीर, ये देखो माशाल्लाह, वहाँ ले बकरो भाई। क्या नाम है इसका? जोकर। जोकर क्यों ऐसा इसका नाम? जोकर कलर, कलर के लिए ताश के पत्तों का जोकर है। बकरा ये भी अच्छा है, जोकर से कुछ याद आ गया। क्या लगता है फ्यूचर में है? हाँ अच्छा है फ्यूचर इसका, अच्छा बकरा है। कुर्बानी के लिए भी अच्छा है, पलटी के लिए भी ठीक है बकरा। और दांत कुर्बानी के लिए ज़्यादा अच्छा है बकरा है ना, कुर्बानी के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े चेहरे का बकरा है माशाल्लाह, कलर कॉम्बिनेशन का अच्छा है, 16-17 के कान है, चेहरा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है समीर भाई। बहुत बड़े बकरे का, बहुत बड़े चेहरे का, बड़े मुंडी का बकरा है माशाल्लाह। वजन में भी है 75-80 किलो, 38 हाइट। ओके अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। पर्सनल में ही रहेंगे सारे के रेट, इसका बता देता हूँ 70,000 आस्किंग। अच्छा इसका प्राइस बता दिए 70,000 रुपये जी, ठीक है। अब चलते हैं कौन से बकरे पे। ये ब्लैक एंड व्हाइट बचा है सामने वाला? नहीं हुआ है ना भाई, हो गया वो, दिखा दिए, दिखा दिए, दिखा दिए, इसमें से लगभग सब हो गए। चलो पॉज कर गाइस, ये बकरे की साइज देखो आप, इसको बांधने लाए थे लेकिन ये यहाँ मस्ती में आ गया। ये एक साल अपने पास पल चुका है, पल चुका है एक, अपने पास 6 महीना हुआ, अभी भी अपना पर्सनल ही है ये। हाँ हाँ, अगर इसको कोई पलटी पे रखना चाहे तो भराई के लायक का बकरा है समीर भाई, है ना। अगर पलटी मारना है तो भराई पे रखो, भराई करो इसको, क्योंकि जो हिसाब का इसका फरमा है ना। हाँ हाँ। अब ये बकरा बोल रहा है मेरे को नाल लगाओ, क्योंकि वो सेल्फ फीडिंग पे उतना नहीं जाएगा, दिख के नहीं आएगा, वजन तो करेगा दिख के नहीं आएगा। भराई के बकरे में, सेल्फ फीडिंग के बकरे में वेट डिफरेंस नहीं होता समीर भाई, बनावट का फर्क होता है। मुंह से खा के बकरा 130 किलो भी है ना, दिख के नहीं आता है। और वही भराई का बकरा 110 किलो का भी 130 वाले बकरे को पटकेगा, पटकेगा, क्योंकि भराई के बकरों में जो पेटी खुलती है ना, वो सेल्फ फीडिंग के बकरों में वैसी पेटी नहीं खुलती, नहीं आती है, सही है, खासतौर पर हाइटेड बकरों में। तो ये है बकरा जो लास्ट हम लोग ने सीजन में शूट किए थे रमजान की सीरीज में, तो तभी तो नॉट फॉर सेल था, लेकिन अब भी अवेलेबल है सेल के लिए, तो कांटेक्ट करें और आके बकरा देखे और ले जाए माशाल्लाह, ले के आ जाए, यहीं पर रखो, भराई पर रखो, इंशाल्लाह तैयार करके देंगे, ठीक है। दानिश भाई इसके बाद क्या है? बकरे और लाने गया। सो दानिश भाई क्या करते हैं इसके बाद, बकरे दिखाते हैं? समीर भाई बकरे तो और भी बहुत है मेरे पास दिखाने को। हाँ हाँ, बट आपको कहीं शूट में जाना है तो वो शूट पहले आप पटा लो, अपन इवनिंग में भी पटा सकते हैं, लाइट है अपने, लाइट है ना, तो अपन वो कर लेंगे। ये वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, शाम को आप पटा के आ जाओ और अपन उसके बाद में एक एग्जॉटिक की सीरीज बनाएंगे जिसमें बोर है, मेंढे है, जिंग है, बैंटम है और मरीनो है, तो काफी अच्छी एंटिक बकरों की वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो एक सीरीज वो बनाते हैं, वो भी सारे सेल के बकरे हैं, मजा आएगी, सानन है उसमें, बड़े बड़े सानन भी है। ओके, तो वीडियो बना के डालते हैं, वो सब अपने को बेचने का ऐसा बहुत घाई नहीं है, इसके वजह से अभी तक बनाए नहीं अपन वीडियो, ठीक है, ठीक है, डालेंगे वीडियो जो अपने उसमें से बिके हुए, ठीक है। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।